नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन न्यूज नेटवर्क में। तो स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन की एक रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया है कि साल 2027 के अंत तक 5G सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 50 करोड़ तक हो सकती है भारत देश में। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट में ये सामने आया है कि भारत में 2022 की दूसरी छमाही के लिए 5G नेटवर्क का कमर्शियल लॉन्च की योजना बनाई गई है। साथ ही आने वाले समय में 5G सब्सक्रिप्शन की संख्या में तेजी से इजाफा देखने मिलेगा और अगले 5.5 साल में 40% ग्राहक 5G का लाभ ले सकेंगे। एरिक्सन के अनुसार 5G में तेजी के साथ देश में मोबाइल डेटा ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ेगा। इसका कारण होगा स्मार्टफोन की बढ़ती संख्या, स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल लोगों में। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हमारा देश भारत स्मार्टफोन पर औसत डेटा ट्रैफिक के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में जल्द 5G की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर लोगों में काफी चाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तेजी के साथ बढ़त देखने को मिल सकती है। 2027 में सभी सब्सक्रिप्शन का 40% 5G हो सकते हैं। एरिक्सन के सर्वे में सामने आया है कि 5G सब्सक्राइबर की संख्या 1 अरब का आंकड़ा इसी साल पार भी कर लेगी और ये भी बात सामने आई है कि कई इंडस्ट्रीज जितना जल्दी हो 5G शिफ्ट होना चाहती है। सर्वे के हिसाब से 52% कंपनियां चाहती हैं कि 1 साल के अंदर 5G का इस्तेमाल शुरू कर लें। साथ ही अधिकांश इंडस्ट्री की 5G में शिफ्ट होने का मेन कारण जो है 5G सेवा की गुणवत्ता हो सकती है। सर्वे में शामिल 326 एग्जीक्यूटिव ने ये बात भी स्वीकार की है, इस बात को माना है कि उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 5G की काफी बड़ी भूमिका होगी। वहीं आपको बता दें कि 5G के मामले में सबसे आगे नॉर्थ अमेरिका रहेगा, जहां 2027 तक हर 10 में से 9 सब्सक्रिप्शन 5G के होंगे। तो ये थी कुछ बातें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एडवर्ड के साथ। नमस्कार।